हेलो एवरीवन, ललिता भादौर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, कढ़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दही। आप इसकी जगह लस्सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक कटोरी ली है दही, एक कटोरी से कम बेसन। तो चलिए इसमें डालने वाले मसाले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लहसुन, मेथी दाना, कसूरी मेथी, ज़ीरा, नमक, क्रश किया हुआ साबुत धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, हींग, करी पत्ता और ये दो चार खड़ी लाल मिर्च। और ये देखिए, थोड़ा सा लिया है हमने बटर, इसको हम तड़के में यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके साथ साथ हम पकोड़े के लिए भी सामान देख लेते हैं। तो पकोड़े के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। तो मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, नमक, हींग, अजवाइन, एक चम्मच घी, क्योंकि पकोड़ों के लिए फैट बहुत ज़रूरी होता है, उससे पकोड़े हमारे बहुत सॉफ्ट बनते हैं, कसूरी मेथी और ये चार मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसे इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है मैंने। ये सबसे पहले हम इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो दही को हम एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। तो चलिए दही को हम अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये देखिए, बेसन फेंट चुका है और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे। तो ये देखिए, बेसन को हमें दही के साथ अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। ये देखिए, अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, जिस कटोरी से मैंने दही लिया था उसी कटोरी से तीन कटोरी पानी मैं अभी तक डाल चुकी हूँ और बाकी अभी हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें बाद में और पानी डाल देंगे। अब हम डालते हैं इसमें कुछ मसाले। सारा डालेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले इसमें डाल जाएगा थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये देखिए, अब हम इनको कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए, ये बैटर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब तड़का लगाते हैं। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ाई है गैस पे और कढ़ाई हमें थोड़ी मोटी तली का यूज़ करना है, क्योंकि कढ़ी अगर आप पतले तले वाली कढ़ाई में यूज़ करेंगे तो वो जल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है एक टेबल स्पून ऑयल। तो ये देखिए, सबसे पहले जाएगा इसमें हींग, मेथी। तो ये देखिए, मेथी को हम थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं, ज़ीरा, धनिया और इसी के साथ साथ जाएगा इसमें गार्लिक पेस्ट और दो सूखी लाल मिर्च। तो ये देखिए, इसमें करी पत्ता। तो ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे ये बैटर। ये देखिए, इसमें एक कटोरी पानी और डाला है मैंने। तो चलिए, जब तक हमारी कढ़ी तैयार हो रही है हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक बाउल में मैं डालूंगी बेसन। तो चलिए इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे इसमें हम हल्दी, थोड़ा सा डालेंगे हम अजवाइन। तो अजवाइन को आप अपनी हथेली पर रखकर क्रश करके ही डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हींग, नमक, कसूरी मेथी और ये देसी घी। अब हम कर लेते हैं इनको मिक्स और इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका हम गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे।
तो ये देखिए पकोड़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए, तो ये देखिए इसमें डलेगा थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमें इसे कम से कम 10 मिनट के लिए फेंटना है, क्योंकि ये जितने अच्छे फिटेंगे उतना अच्छा ये सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए कढ़ी में एक उबाल आ चुका है, और अब हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो ये देखिए बेसन को फेंटते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब इसके हम पकोड़े बना लेते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है, और इस तरह से इसमें हम पकोड़े डाल के तल लेंगे इनको। ये देखिए इस तरह से इसको हम पलटते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सारे पकोड़े बना लिए हैं, और अब इनको हम हल्के गुनगुने पानी में डाल देंगे। तो ये देखिए एक बाउल में मैंने हल्का गुनगुना पानी गरम कर लिया है, और अब हम इन पकोड़ों को इसमें 2-3 मिनट के लिए डाल के छोड़ देंगे। तो ये देखिए कढ़ी काफ़ी हद तक पक चुकी है, लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। तो इस टाइम इसमें डाल देंगे हम ये देखिए कसूरी मेथी, और इस टाइम जाएगा इसमें नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसको अभी हम और पकने देंगे थोड़ी देर। तो ये देखिए इस टाइम हम डाल देंगे अपने ये पानी में भिगोए हुए पकोड़े। तो ये देखिए इसको हम 5-7 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये देखिए कढ़ी हमारी लगभग पक चुकी है, तो अब हम इसमें छोटा सा तड़का और लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें ऑयल, और इसी के साथ साथ जाएगा इसमें ये बटर डाल के डालना। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा हींग, दो सूखी लाल मिर्च, अब जाएगा इसमें ये कटा हुआ प्याज। तो चलिए इसको हम हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक पका लेंगे। अब जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, तो ये देखिए प्याज हमारे पक चुके हैं, और इसके साथ जाएगा इसमें कढ़ी। और ये देखिए इसको हम कर देंगे मिक्स, और अब इस कढ़ी को हम वापस कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखिए, तो ये देखिए हमारी कढ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी कढ़ी बनके तैयार है, आप इसे अपनी मनपसंद रोटी पूड़ी चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।